हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं अपना मैथ की सीरीज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, या बोल सकते हैं साधारण ब्याज। हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस किया, और दोनों के दोनों परसेंटेज से रिलेटेड थे। अब देखो, अपने पास जो साधारण ब्याज है ये भी किससे होगा, प्रतिशत से रिलेटेड होगा। तो जो साधारण ब्याज होता क्या है, इसके बाद हम करेंगे भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होता है, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज जानते हैं जो साधारण ब्याज, उसका बिल्कुल बेसिक क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, किसको हम क्या लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो आप, इसके अंदर जब भी हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो अपने पास कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको अपने अपने जानना ज़रूरी है। कौन कौन से, एक तो रहेगा इसके लिए दर, ठीक है, एक क्या रहेगा समय, एक बोल सकते हैं अपने पास मूलधन। मूलधन, दर एवं समय, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर टोटली साधारण ब्याज बेस रहता है, ठीक है। जो साधारण ब्याज है किसके ऊपर निकलेगा, मूलधन के ऊपर। किस दर से निकलेगा, कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट को किससे आर से करेंगे, और टाइम को टी से करेंगे। जो आर होगी हमेशा किस में होगी, परसेंटेज में होगी। जो रेट होगी हमेशा क्या होगी, परसेंटेज के अंदर। जो टाइम है, टाइम डिपेंड करता है आपको डेज के अंदर हो सकता है, इसके अलावा मंथ्स के अंदर हो सकता है, या फिर इसके अलावा ईयर के अंदर हो सकता है, ठीक है। डेज आपको इस टाइप से मिल सकते हैं, आपको दिनों के अंदर भी बोल सकता है कितने दिन का ब्याज निकालना है, या बोल सकता है मंथ के अंदर, या बोल सकता है ईयरली पूछ सकता है, ठीक है, होता है। लेकिन जो रेट होगी, रेट हमेशा क्या मिलेगी, हैंड या परसेंटेज के अंदर मिलेगी, और परसेंटेज का मीन क्या था, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूलधन है, मूलधन क्या था, स्टार्टिंग जो आप राशि लेके चलते हो, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ छठी सातवीं क्लास के अंदर फॉर्मूला आता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, भाग में कितना आता है 100। इससे क्या मिलता है अपने को, साधारण ब्याज मिलता है। अब जो साधारण ब्याज है या सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन कितनी राशि है, अब देखें जो रेट है, दर कितनी है, या फिर समय कितना है। तो यहाँ से यदि हम देखें ना, तो साधारण ब्याज जो है, यहाँ से लिख सकते हैं हम, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मूलधन के ऊपर। यदि अपनी जो राशि है वो बड़ी होगी तो उसके ऊपर ब्याज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और देख सकते हैं किसके ऊपर डिपेंड, दर। यदि जो अपने पास ब्याज की जो दर है वो ज़्यादा है तो साधारण ब्याज अपना क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। या फिर बोल सकते हैं समय, समय ज़्यादा होगा तो जो अपनी राशि है उसके ऊपर साधारण ब्याज निकले वो भी क्या होगा, ज़्यादा। तो डायरेक्टली डिपेंड करता है मूलधन के ऊपर, दर के ऊपर, समय के ऊपर, कौन, साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसे जान लेंगे हम भाई जो साधारण ब्याज है वो कैसा है। मान लेते हैं आपके पास कोई राशि है 100 रुपये की, क्या है, मूलधन कितना है 100 रुपये का है, उसके ऊपर बोलता है रेट जो दर है 10% पर एनम, क्या 10% पर एनम प्रतिवर्ष, ठीक है, वार्षिक दर बोल रखी है। समय कितना देता है 1 ईयर, कितना 1 ईयर। तो इसका ब्याज कितना होगा निकालना हमें, साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो आप, यहाँ से जो मूलधन दिया है इस फॉर्मूले के अंदर रखे, हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो क्या आएगा अपने पास, जो मूलधन है, मूलधन कितना 100, दर कितनी है 10 है, साल कितने हैं 1, समय कितना 1, नीचे कितना आएगा 100 से 100 काट दे, 10 1 10 कितना आ गया 10। तो 10 क्या है अपना, 10 साधारण ब्याज है। और आपसे देखो एक टर्म और आएगी इसके बाद, मिश्रधन, क्या आएगा, मिश्रधन। वो मिश्रधन क्या होगा वो देख लो आप, या बोल सकते हो आप अमाउंट जिसको बोलते हो। तो मिश्रधन के अंदर क्या आएगा, जो आपका मूलधन है ना, मूलधन प्लस में ब्याज, जो आपका ब्याज आया है, उन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है, मिश्रधन मिलता है। तो देखो अब हमने देखा भाई, जब अपने पास 100 रुपये की राशि थी, मूलधन कितना था 100 का, दर थी 10%, समय था 1 वर्ष, ठीक है। तो हमने उसके लिए यदि ब्याज निकाला, देखो इस फॉर्मूले में रख दे सीधा, मूलधन कितना है, दर कितना है, और समय कितना है। और देखो फिर यहाँ से हमने क्या किया, जो काटने के बाद अपने को वैल्यू मिली, साधारण ब्याज कितना मिल गया 10। तो 1 वर्ष के अंदर 100 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% की रेट से 10 रुपये, ठीक है। अभी बोले कि 1 वर्ष के बाद ये रिटर्न कर दें, वापस करने कितने देने पड़ेंगे, 100 तो अपने पास क्या था, मूलधन, 10 रुपये का क्या आ गया ब्याज, कितना आ गया 110। इसे 110 को क्या बोल सकते हैं, मिश्रधन बोल सकते हैं, ठीक है, क्या होगा, मिश्रधन, या बोल सकते हैं अमाउंट, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन टोटली इसके ऊपर। अब देखो आप यहाँ से इसी क्वेश्चन को यदि चेंज करें, ये जो फॉर्मूला है अपने पास, इसी फॉर्मूले से यदि हम वैल्यू निकालें, तो वैल्यू देखो आप कैसे निकाल पाओगे, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले से। देखो इधर, यहाँ से यदि अपने को मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन किसी क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे निकालोगे आप, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, इसकी गुणा में देखो क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 100, नीचे क्या आएगा
दर और नीचे क्या आएगा समय। तो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे मूलधन। देखो इसी फॉर्मूले से जो हमें निकालना उसको एक तरफ रखा बाकी को दूसरी तरफ भेज दिया। अब ऐसे यदि अपने को दर निकालनी हो तो दर निकालेंगे, दर को एक तरफ यही रख लेते हैं। देखो दर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जो ब्याज है उसे गुणा में कौन जाएगा 100। ठीक है, अब देखो दर को हमें निकालना, क्या बच गया मूलधन और समय। मूलधन गुणा में समय कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, यदि यहाँ से बोले समय निकालना है, समय कैसे निकाले हम, तो समय को यहाँ रखेंगे बाकी इधर आएगा क्या आएगा ब्याज गुणा में 100, नीचे कितना हो जाएगा मूलधन गुणा में दर। ये अपने पास समय का ये किसके लिए था, दर के लिए। दर हमेशा किस में आएगी परसेंटेज में, और इससे निकालोगे आप जो समय है, समय हमेशा कैसे लेके चलोगे ईयरली, इसके अंदर वार्षिक। यदि आपको बोलता है 3 महीने तो 3 महीने को भी किस में बदलना पड़ेगा वर्ष में, 3 महीने को वर्ष में बदलेंगे, ईयर में बदलेंगे 3/12 कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, इस टाइप से बिल्कुल सिंपल, ये क्या टोटली इस फॉर्मूले के बेस पूरा का पूरा ये टॉपिक बेस्ड है, ये समझ में आ गया तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब करते हैं हम अपना एक फर्स्ट टाइप जो जर्नल सा है, जर्नल से क्वेश्चन इसके ऊपर 2-3 करके देखते हैं जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए वो क्वेश्चन, देखो यहाँ बोलता है 15% की दर से 1500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो जो रेट होगी, रेट कैसी होगी वार्षिक, क्या बोल सकते हैं वार्षिक दर होगी 15% वार्षिक की दर से 1500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो आप यहाँ से जो अपने पास ये क्या है मूलधन कितना है 1500 रुपये। ठीक है, कितने हैं सॉरी इसको 15,000 कर लो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो दर दे रखी, दर कितनी है 15%। ठीक है, जो समय है, समय कितना दे रखा अपने को 3 वर्ष। निकालना है क्या हमें साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100। तो कितना अपने पास 15,000 इंटू में रेट कितने है 15, इंटू में कितना आएगा अपने पास जो समय, समय कितना है 3, नीचे कितना आएगा 100। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से इसको करें काट दिया, कितना मिलेगा अपने को 150 इंटू में 15 इंटू में 3, इसको करते हैं 150 इंटू में 45, 150 इंटू 45 इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने को मिल जाएगा 1750। यहाँ से देख लेते हैं अपने पास इनकी मल्टीप्लाई जब हम कराते हैं तो हमें मिलेगा मल्टीप्लाई मिलेगी अपने को 6750। अब देखो आप यहाँ से 6750 क्या मिला अपने को, ब्याज मिला है कितनी राशि का 15,000 रुपये की राशि का 3 वर्ष में 15% की दर से। तो 6750 क्या आ गया अपना ब्याज। अभी जो ब्याज आपको मिश्र धन बोलेगा तो क्या करना है, जो 15,000 था इसमें हम क्या जोड़ देंगे 6750 जोड़ देंगे तो अपने को मिश्र धन मिल जाएगा। और मिश्र धन आप जानते हैं क्या, तो जो राशि आपको रिटर्न करनी है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया समझ। एक और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, देखिए यहाँ बोलता है किस राशि का 15%। देखो राशि क्या है अमाउंट या मूलधन हमें क्या निकालना है, क्या बोले किस राशि का 15% की दर से, दर कितनी दे रखी है अपने को 15% की दर से 8 मास का, कितने का समय कितना दे रखा है 8 महीने। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 54 हो जाएगा। अब देखो हमने जो फॉर्मूला बताया था बेसिक उसी से सारा का सारा, भाई हमें पता है यहाँ पे क्या पूछेगा मूलधन, मूलधन पूछ रखा है, फॉर्मूला अपने पास क्या होता है साधारण ब्याज का, वहीं से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो आप जो राशि है वो हमें निकालनी, दर दे रखी 15, जो अपने पास समय है 8 महीने। अब जो समय है, समय किस में बदलना पड़ेगा वर्ष में, तो वर्ष में बदलें तो 8/12, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 4×2=4, 3 कितना आ गया 2/3 टाइम हो गया। ठीक है, अब देखो अपने पास ये दे रखा है सारा का सारा, जब हम मूलधन निकालते हैं तो मूलधन निकालने का अपना फॉर्मूला क्या रहता है, ब्याज गुणा में 100, नीचे क्या आएगा अपने पास दर गुणा में समय, यही होता ना। तो ब्याज कितना अपना 54। ठीक है, इंटू में क्या आएगा अपने पास 100, नीचे देखो आप जो दर है, दर कितनी है अपने पास 15%, कितनी है 15% या 15 लिख लिया। इंटू में क्या आएगा अपने पास जो समय है, समय कितना 2/3, 2 इधर है तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर। अब देखो आप यहाँ से इसको करते हैं काटते हैं 3×1=3, 3×5=15, 5 से काटेंगे अपने पास ये कितना होगा इधर
5 से काटेंगे तो अपने पास 70, 2 से काट दिया तो अपने पास 10, कितना मिल गया 54 इंटू में 10 कितना आ गया 540। तो अपनी जो राशि थी वो कितनी है 540। 540 रुपए के ऊपर यदि हम 15% की दर से 8 महीने का ब्याज निकालेंगे तो कितना मिलेगा 54 रुपए अपने को मिल जाएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा, मूलधन पूछा। ऐसा ही क्वेश्चन और हो सकता है जिसके अंदर आपसे दर पूछ लेगा, भाई दर क्या होगी और बाकी चीजें दे देगा, या पूछ सकता आपसे भाई समय कितना होगा। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, उसको और देखिएगा ध्यान से। यहां बोलता है 7,250 या बोल सकते हो 7,350 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो अब की बार दिन बोलने 73, अब दिन को किसमें बदलना पड़ेगा वर्ष के अंदर, तो वर्ष के अंदर बदलें तो देखो आप जो पहले लिख लेते हैं मूलधन, मूलधन कितना है 7,250 रुपए, जो दर है दर कितनी दे रखी है 8% की है, समय कितना है 73 दिन है, 73 दिन को यदि हम वर्ष में बदलें तो एक वर्ष में 365 कितना आएगा 73 भाग में 365 काटेंगे आप इसको काटोगे तो कितना आएगा 7 से 7 5 1/5 मिल जाएगा, 5 पे कट जाए कितना आएगा 1/5 ईयर के अंदर आ गया ना वर्ष के अंदर, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या आएगा, मूलधन 7,250 गुणा में दर, दर कितनी है अपने पास 8% इंटू में क्या आएगा समय, समय कितना है 1/5 नीचे क्या है 100 हो गया। अब देखो आप इसको जब कट करोगे, कट करने के बाद आपको मिल जाएगा 116 भाई, टोटल इसको कट करो 0 से 0 काट दिया, 5 से इसको काटोगे आप 5 1 5 हो गया, 5 4 20 5 5 25 नीचे कितना अभी अपने पास 5 से फिर काट दें 5 2 5 से काटो 5 9 45 2 से काटो कितने पे 4 पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1/116 कितना मिलेगा 116। तो 116 क्या आ गया अपने पास ब्याज आ गया, कब जब 7,250 रुपए की अपनी राशि थी 8% की दर थी 73 दिन का निकाला, तो इसके अंदर दिन को किस में बदलना पड़ा वर्ष में, यही अपने पास मेन कंसेप्ट था, ठीक है। तो आज हम करेंगे इतना ही, अपने इस YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ मिले उनके अपडेट मिलते रहें। और देखो इन वीडियोज़ के अंदर जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी किसी भी एग्जाम के अंदर आप बैठोगे तो आप बहुत जल्दी से आसानी से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे।